हेलो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आज कि जावा 42 का जो विंड स्क्रीन है, ये जो फ्लाई स्क्रीन, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं क्लियरली, एकदम इजीली। ये देखिए, ये लगा जो यहां पे जो क्लैंप लगा हुआ है, ये पहले कंपनी फिटेड जो आता है स्टॉक में, वो ये वाला आता है। ठीक है, ये वाला आता है, ये इधर लगा हुआ रहता है, ये इधर लगा हुआ रहता है। तो इसको कंपनी से, ये वाला जो टी का क्लैंप है, इसको हटा के यहाँ से ये वाला जो टी का ऊपर का पार्ट है, इसको दोनों तरफ से खोल के, हैंडल बार को खोल के, उसके बाद ये वाला हटा के दोनों साइड से, वो देखिए और एक पीस रखा हुआ है, दोनों साइड से हटा के इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जावा सर्विस सेंटर में ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ चार्ज करता है, बस ये वाला इंस्टॉल करने के लिए लेबर चार्ज 500 रुपीज़। ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता है दोनों साइड में, लुक देखिए, ये दोनों साइड में ऐसे लगा हुआ रहता है, बस ये वाला पार्ट चेंज होता है, खाली यही वाला पार्ट चेंज होता है और कुछ नहीं। और आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, जो सिर्फ स्पेशली मेरा गाड़ी में है, जावा का सर्विस सेंटर वालों ने स्पेशली मेरे बाइक के लिए दिया है, वो है ये वाला देखिए, मूवेबल कैलिपर। ये मूवेबल जो कैलिपर है स्पेशली मेरे बाइक के लिए ही, ये किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। ये देखिए हिल रहा है कैलिपर ऑटोमेटिक, मतलब ये ऑटो एडजस्ट करेगा अपने आप को, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे, ज़रूरत होगा तो ये आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, एक्चुअली मेरा ब्रेक का पीछे का जो इशू था, उसके कारण उन लोगों ने ईजिली अभी चलने लायक इसको बनाने के लिए लूज़ कर दिया है, लेकिन बाद में ये रिप्लेस होगा, जैसे स्पेयर्स आएगा अवेलेबल होगा, ये रिप्लेस होगा। यही फॉल्ट है मेरा गाड़ी में पहले दिन से, तो इसको फ़िलहाल इधर कम घिसने के लिए, आवाज़ ना करे, इसलिए इसको लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो विंडशील्ड बस इजीली लग जाता है, ये वाला टी खोल के लगाना पड़ता है उसको। तो विंडशील्ड का प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस कितना है विंडशील्ड इंस्टॉलेशन का। ये इंस्टॉलेशन का प्राइस है 1971, और 236 करके जो लेबर चार्ज लिखा हुआ है, ये विंडशील्ड का इंस्टॉलेशन का लेबर चार्ज इन्होंने डाला हुआ है। विंडशील्ड का दाम पड़ता है पूरा, ये क्लैंप वगैरह जो फिट हुआ है, ये सब लेके 1498 विंडशील्ड का प्राइस पड़ता है, लेकिन ये लोग इंस्टॉलेशन के लिए 500 लेगा। आप लोग बाहर से भी करवा सकते हैं, बाहर से करवाएंगे तो मुश्किल से 150-200 रुपया लगेगा इंस्टॉलेशन में, कुछ नहीं है, बस ये दोनों साइड का जो हैंडल बार का जो ऊपर का पार्ट है, इसको बस खोलना है, हैंडल बार उठाना है, ये वाला पार्ट चेंज करना है और लगाना है, इसी में 4 बोल्ट से लग जाता है ये फ्लाई स्क्रीन, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाला, तो बस इतना ही है। बाहर से करवाएंगे तो बहुत सस्ता में हो जाएगा, 150-200 में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, लेकिन सर्विस सेंटर से करवाएंगे तो ये वाला इतना चार्जेस लग जाएगा, ऑलमोस्ट 500 का करीब, 472 लग जाएगा। और ये लोग उसको लिखेगा भी नहीं कि लेबर चार्ज के हिसाब से, ये लोग लिखेगा स्टेयरिंग स्टेम रिप्लेसमेंट बॉटम इनर बॉल रेसल रिप्लेसमेंट, जो एक्चुअली होगा ही नहीं। ठीक है, ये बस लेबर चार्ज लेने के लिए लिख देगा ये सब। थैंक यू।